पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अभी करीब आधा घंटा पहले अपेक्स हॉस्पिटल से थाना मझोला पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जब की गई तो ये श्वेताब तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है और ये रामगंगा विहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टेड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में दो गोली लगी है और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है, परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं, जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, क्या इनकी नहीं, इनको जो हॉस्पिटल लाया गया था तो डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ब्रॉड डेड अवस्था में ही लेके आया गया था और जो लोग लेके आए थे उन्होंने बताया था कि इनको गोली लगी अवस्था में ही उनके द्वारा देखा गया था और उसके बाद में तत्काल उनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया था। गोली चलने का मामला था, अभी आप भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, क्या निकल कर सामने आया? वो तो तफ्तीश जारी है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। एसपीसी के नेतृत्व में टीम बना दी गई है, जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, क्योंकि इस तरीके का लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, लगातार दूसरा मामला है एक हफ्ते में ये मुरादाबाद के अंदर, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अपराध हो जाता है उसका पर्दाफाश किया जाएगा जल्दी। सर, अभी आपने जो मृतक है उनके ऑफिस का भी निरीक्षण करा है, पूरा घटनास्थल का मुआयना करा, क्या कुछ विशेष निकल कर आया? सीसीटीवी सामने आया? अभी बताने लायक नहीं है, तफ्तीश में बताया, तफ्तीश जारी है, अभी आपको नहीं बता सकते। ठीक है, थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।